दोस्तों बात की जाए क्यूट कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बारे में, जो आज हर एक शख्स की जुबान पर सिर्फ इस जोड़ी का ही नाम सुमार है, जो कि बीते दिन 9 दिसंबर की तारीख को एक दूसरे के साथ घर बसा चुके हैं और अब दोनों की प्री वेडिंग सेरेमनी की रस्में पूरी करने के बाद अपनी शादी के बाद की रस्मों को पूरी कर रहे हैं। और इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार शादी के बाद पहली रात यानी कि सुहागरात वाले दिन कैटरीना कैफ के हमसफर बन चुके विक्की कौशल ने किस तरह से उनकी मुंह दिखाई की थी। जी हां, आपको बता दें कि सवाई माधोपुर कोर्ट में एक दूसरे के साथ शादी के साथ फेरे लेने के बाद फाइनली दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके हैं, जिसके बाद की पहली रात यानी कि सुहागरात के दौरान विक्की कौशल ने ना सिर्फ कैटरीना कैफ का घूंघट उठाकर नॉर्मल तरीके से मुंह दिखाई की, बल्कि इस पहली रात को और भी ज्यादा खुशनुमा और यादगार बनाने के लिए विक्की कौशल ने पहले ही इसकी काफी ज्यादा प्लानिंग कर ली थी। तभी तो उन्होंने दुल्हन बनी पत्नी कैटरीना कैफ का घूंघट उठाते हुए उन्हें सबसे पहले उनकी पसंद का एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट था लविंग लॉकेट और साथ में एक प्यार भरी शायरी भी सुनाई, जिसे पत्नी बन चुकी कैटरीना कैफ की मुंह दिखाई की रात को और भी ज्यादा यादगार बनाती हुई नजर आई। जिसे और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए कैटरीना कैफ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तभी तो बताया जा रहा है कि सुहागरात वाले दिन जहां विक्की कौशल ने प्यारा सा गिफ्ट देकर और मोहब्बत भरी शायरी सुनाकर मुंह दिखाई की रस्म पूरी की, तो वहीं कैटरीना कैफ ने भी विक्की कौशल के लिए अपने प्यार भरे जज्बात बयां किए। वेल दोस्तों, सुहागरात के दिन कैटरीना कैफ की मुंह दिखाई पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।